हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में हम जाने वाले हैं दी ईरानी कैंटीन, जो कि एक नया रेस्टोरेंट खुला है थाने में। और काफ़ी सुनने में आ रहा है इसके बारे में कि काफ़ी अच्छी लोकेशन है और इनका जो बन मस्का है बिल्कुल ऑथेंटिक ईरानी बन मस्का है। इनकी चाय जो कि एकदम ऑथेंटिक ईरानी चाय है। तो आज हम जाएंगे, टेस्ट करेंगे, देखेंगे कैसा है। और आप भी मेरे साथ थोड़ा एक्सपीरियंस ले लेना, आप भी थोड़ा चख लेना। और बिना किसी देरी के अभी निकल पड़ते हैं हमारी मंजिल की ओर। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग नाउ। आज जा रहे हैं ईरानी कैंटीन, जो कि थाने में नया खुला है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि ईरानी कैफे, फारसी कैफे, बेकरी मुंबई में काफ़ी कम है। तो अब की अगर थाने में ओपन हुई है तो हमारा जाना बनता है, टेस्ट करना बनता है। और वो ऑथेंटिसिटी जो है ये बेकरी की, वी मस्ट टेस्ट इट। तो गाइज, हम पहुंच चुके हैं ईरानी कैंटीन, एज यू कैन सी। उनका चाय बनाने का प्रोसेस इज डिफरेंट। वो पानी को अलग उबालते हैं, दूध को अलग उबालते हैं, विच इज़ अ काइंड ऑफ एन ईरानियन टेक्निक टू मेक टी। लेकिन काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, काफ़ी क्राउड हो गया है एंड एवरी वन इज़ वेटिंग फॉर द चाय, विच इज़ द बेसिक बेसिक थिंग दैट पीपल कम फॉर। सो उसके लिए इतना टाइम लग रहा है। सो देखते हैं, अभी मुझे 15 मिनट हो गए। सो लेट्स सी, वेट चालू। वेटर आके मुझे कहता है कि चाय बनने में और 40 मिनट्स चाहिए, 45 मिनट्स चाहिए। सो विच इज़ अ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट। आई कैन सी पीपल लीविंग द रेस्टोरेंट नाउ। तो ये दिस कैफे हैज़ टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, वी गो डिलीवरी फास्ट हो। सो मैंने कहा मेरे लिए बस बन मस्का लेके आ जाएंगे। तो गाइस, मेरा बन मस्का आ चुका है बिना चाय के।
तो इसको टेस्ट करेंगे बिना चाय के। बेचारे मेरे आगे लोग बैठे, ये तीन लोग कब से चाय का वेट कर रहे हैं, चाय आया नहीं, उनका खाना सब खा के हो गया, नाउ दे आर थिंकिंग टू लीव। चलिए यहाँ से चलते हैं, अभी बाहर अंधेरा होते जा रहा है और अभी तक चाय भी नहीं आई है। देखिए आज चोरी As you can see, people are walking out because of really poor service. Please visit again. This is very subjective now. It's after 10,000 years. Finally, कुछ तो आ चुका है, देखिए आप। Yes, बन मस्का और ईरानी चाय। सबर का फल मीठा होता है। गुड। सो गाइज, अभी मैं बाहर आ चुका हूँ और फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे एक्सपीरियंस बहुत ओके लगा। मतलब वेटिंग बहुत ज़्यादा है और क्राउड आ रहा है और डिसअपॉइंटमेंट में बाहर जा रहा है, सो आई डिडंट फाइंड इट वेरी अपीलिंग। और टेस्ट भी मुझे बहुत ओके लगा, बन मस्का वॉज जस्ट नॉर्मल बन मस्का, और चाय मुझे ऐसा ईरानी चाय कुछ एकदम स्पेशल वैसे कुछ लगी नहीं, जो घर पे बनाते वैसी चाय लगी। इनफैक्ट घर पे आप ज़्यादा बेटर बना सकते हो, आई डोंट नो इट जस्ट द एम्बियंस और यू नो जो लोकेशन है बस वो ठीक है, बट यू कैन ट्राई इन थाने, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये बिना ताकत की तरफ है, सो यू कैन कम एंड यू कैन टेस्ट एंड यू कैन एक्सपीरियंस योर सेल्फ। सो एनी वे, आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू स्प्रेड द लव। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय।